लोकसभा चुनाव से पहले भले ही बीजेपी मजबूती का दावा कर रही है, लेकिन साथियों के साथ छोड़ने से साफ है कि कमल कमजोर हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के अलग होने के फैसले के बाद से लगातार पार्टी की एकता खंडित होती जा रही है। अब त्रिपुरा में भी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के बाद 2019 में बीजेपी से अलग होने वालों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। इस बार त्रिपुरा के इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 2019 में बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया है। 25 साल पुरानी माणिक सरकार को हिलाने के लिए बीजेपी का साथ देने वाली इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने भी अनदेखी का आरोप लगाकर अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। IPFT का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कोई सलाह मशविरा नहीं किया, उसने सीटों के लिए नेताओं को उतारने का एक तरफा फैसला ले लिया है, जिसके बाद हमें मजबूरन अलग खड़े होने का फैसला करना पड़ा। वहीं IPFT के आरोप पर बीजेपी का दावा है कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में IPFT के साथ उसका गठबंधन एक बार के लिए था। आपको बता दें कि IPFT और बीजेपी ने इस साल जनवरी में पहली बार एक साथ मिलकर चुनाव पूर्ण गठबंधन किया था और 25 साल के वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब IPFT का साथ नहीं मिलेगा। DB Live की रिपोर्ट।